हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम योर कोच महफूज खान फ्रॉम खलीफा एकेडमी बरेली। और आज मेरे साथ हैं साहिल, हु कम फ्रॉम एमपी ऑल द वे। ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट 6-7 महीने से। इनके अंदर क्या चेंजेस आए यहाँ आने के बाद में, और इनसे बात करेंगे अभी हम। हेलो साहिल, कैसे हो आप? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। आप बताओ, यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद में कुछ चीज़ें बदली हैं, आपका नजरिया बदला है? बिल्कुल सर, बहुत बदला है सर। जब से पहले मैं आया था तो इतनी मतलब इतना वो नहीं पता था कि छोटी छोटी बारीकियां नहीं पता थी अपनी बॉलिंग के बारे में। अब जब से यहाँ पे आया हूँ ना, तो पता चल रहा है कि एक बॉलर को बैट्समैन को आउट करने में क्या सेटअप बिठाना चाहिए। एज अ टेस्ट में, वनडे में भी अलग तरीके से आपने बताया, कोचिंग दिया आपने सर, तो उसके तरीके से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। यहाँ पर फिटनेस भी सही करता था पहले। ओके, तो आज शुरू किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में हम फिटनेस करते हैं, शाम के हमारा सेशन होते हैं, संडे नॉर्मली सारी एकेडमी ऑफ होती है, बट संडे पे हमारा सेशन लंबा चलता है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? सबसे पहले सर, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की संडे को, क्योंकि संडे को जहाँ प्रैक्टिस करता था पहले, वहाँ पे संडे को ऑफ रहता था पूरा दिन। लेकिन जब से आपके पास आया हूँ ना, तो यहाँ पे पहली बार ऐसा पता चला है कि संडे के दिन लॉन्ग सीजन होता है। लॉन्ग सीजन मतलब कि अंडर 16 अंडर 19 के बच्चे ना, मतलब वो टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। जब से संडे को यहाँ प्रैक्टिस किया ना, तो लगता है कि टेस्ट वाली फीलिंग आ रही है। जो टेस्ट में लॉन्ग प्रैक्टिस होती है ना, वो लॉन्ग मतलब लॉन्ग सीजन लग जाता है इस पर। ओके, तो मेनली कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब हम मैच खेलने जाते हैं तो वो टाइम क्या होता है, 9 से 5, 4, 2 जो भी हो, तो वो टाइम को यूज टू करने के लिए खुद की बॉडी को हम सेशन को कंडक्ट करते हैं संडे में। तो गाइस, ये थे साहिल, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में। मैं चाहता हूँ आप ट्रेनिंग कीजिए, फिटनेस कीजिए, अच्छी ट्रेनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच।